दोस्तों आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग है। मेरे मॉर्निंग का सेगमेंट मॉर्निंग स्पोर्ट न्यूज़ लेकर मैं आप सभी लोग साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए भारतीय टीम में बड़ी खबर आ रही है। देखिए भारतीय टीम के जो हेड कोच को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है कि राहुल द्रविड़ के बाद नया हेड कोच कौन होगा। अब वर्ल्ड कप 2023 के बाद उनका जो टेन्योर हो पूरा हो जाएगा, उसके बाद नया हेड कोच कौन बनेगा उस पर बड़ी अपडेट आ रही है। उसके बाद देखिए सौरभ गांगुली क्रिकेट मैदान फिर से वापसी होने जा रही है, किस रूप में वापसी होगी उससे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत वर्सेज श्रीलंका जो पहला मुकाबला 3 जनवरी 2023 को नए साल में खेला गया, भारतीय टीम नए साल के जो आगाज है वो जीत के साथ किया। कब नई न्यू ईरा के स्टार्ट हो चुका है। हार्दिक पांड्या कप्तान है, न्यू चेहरे दिखाई पड़े शुभम गिल, शुभम मावी को मौका मिला डेब्यू करने के लिए। और क्या खास डेब्यू रहा शुभम मावी का। शुभम मावी ने 4 विकेट लेने में कामयाब हुए, अपने डेब्यू पर ही 4 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। देखिए शानदार है। उसके बाद उमरान मलिक ने शानदार बॉलिंग के 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। देखिए बैटिंग की बात करें तो एक समय ऐसा लग रहा था काफी मुश्किल थी भारतीय टीम, लेकिन दीपक हुड्डा अक्षर पटेल खासकर दीपक हुड्डा ने 23 गेंदों 40 रन बनाए, 4 छक्के 1 चौका लगाए, जिसके वजह से भारतीय टीम 100 सम्मानजनक विनिंग पोजीशन में जा पहुंचा। और वहां से भारतीय टीम को हराना बहुत मुश्किल हो गया था। उमरान मलिक ने कल 155 किलोमीटर पर हार की स्पीड से फेंक के श्रीलंका कप्तान श्रीलंका को विकेट निकाला, जिसके वजह से भारतीय टीम को जीत मुमकिन हुई। देखिए दूसरी बड़ी खबर पाते हैं जयदेव उनाडकर। जयदेव उनाडकर जो रणजी में इतिहास रच दिया, सौराष्ट्र के कप्तान है, दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए पहले ओवर में हैट्रिक लगाने ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाया, इतिहास रच दिया। देखिए सौराष्ट्र की तरफ से खेलते कप्तान रहते हुए दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 12 ओवर में 39 रन 8 विकेट झटके, जिसमें वो पहले ओवर की हैट्रिक भी जिन्हें दो नाट करके है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की शानदार सीरीज खत्म होने के बाद वापसी किए हैं रणजी में, वहां पर शानदार उनका प्रदर्शन रहा है, हैट्रिक में कामयाब हुई। देखिए अगले खबर पर आते हैं, सौरभ गांगुली की फिर से मैदान पर वापसी होने जा रही है। देखिए दिल्ली कैपिटल्स से उन्होंने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त करने का फैसला किया है। तो मैं यही बात अब लोग से कहता हूं कि सौरभ गांगुली और क्रिकेट जो याराना है बहुत पुराना याराना है, वो ज्यादा दूर रह नहीं सकता है, तो फिर से वो पदभार संभालेंगे। उसके पहले दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर भी रह चुके हैं सौरभ गांगुली, तो फिर से उनको एक नया पदभार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए जो हेड कोच की बात चल रही है भारतीय टीम में, देखिए 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसके बाद राहुल द्रविड़ की छुट मतलब कि टेन्योर कंप्लीट है, उसके बाद हेड कौन बनेगा, उसके लिए बीबीएस लक्ष्मण जो एनसीए किसमें को हेड है वहां पर उनकी बात चली कि बीबीएस लक्ष्मण उसके बाद भारतीय टीम के हेड कोच का कार्यभार संभाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया जब राहुल द्रविड़ ऑफ होते हैं छुट्टी पर होते हैं तो या तो सेकेंड टीम लेके जानी होती है, तो बीबीएस लक्ष्मण को कार्यभार संभाल के लिए भेजा जाता है। तो उसका मतलब यही है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप, उसके बाद जब राहुल द्रविड़ टेन्योर कंप्लीट हुए, उसके बाद बीबीएस लक्ष्मण ही भारतीय टीम के हेड कोच का कमाल संभाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए उसके बाद बात करते हैं ऋषभ पंत को लेकर, बात कर ऋषभ पंत, देखें उनके जो आईसीयू था उस वार्ड से निकाल उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी भी जो उनके घुटने टखने और अंगूठे की चोट है अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि क्लॉथिंग और सोलिंग के वजह से एमआरआई स्कैन नहीं हो पा रहा है। वो थोड़ा सा ठीक होगा उसके बाद ही ये कंफर्म हो जाएगा कि उनके जो घुटने टखने और अंगूठे चोट लगी चोट कितनी गंभीर है, उसके बाद ही ये बात पता चलेगी। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।